IPL.gov.in। यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 22/12/2022 की डेट में आप लोगों को CNRC 1/2019 के सेक्शन में टोटल 3-3 अपडेट्स दिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ CNRC 1/2019। फर्स्ट में आप लोगों का नोटिस ऑन रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फर्स्ट में आप लोगों का नोटिस दिया गया है। सेकंड में क्या आप लोगों का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, सेकंड में आप लोगों का लिस्ट दिया गया जो भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, थर्ड में आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को संतावना मिल जाए कि यार अभी भोपाल मेट्रोल कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों का शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो आपके सामने वो कंप्लीट लिस्ट है फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के रीड आउट भी कर देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, भोपाल, CNRC 1/2019, पोस्ट इन Level 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो टोटल ये देखेंगे आप लोग का 45 पेज का PDF है फ्रेंड। यहाँ जैसे कि आप लोगों का रोल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ये जो रोल नंबर है आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में है लेफ्ट से राइट में, और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सीधे हम लोग नीचे चलते हैं तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शायद मालूम चल जाएगा, उसके बाद हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है 10,743, डेट है 22/12/2022, चेयरमैन RRB भोपाल। ओके, अब हम लोग चलते हैं नोटिस। नोटिस में क्या कहा गया वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोटिस ऑन रिजल्ट शॉर्टलिस्ट, इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस खुलेगा। हो सकता है नोटिस खुलने में थोड़ा समय लगे क्योंकि वेबसाइट पर काफ़ी लोड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, CNRC 1/2019, पोस्ट इन Level 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17 अगस्त 2022 से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 इज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव RRBs। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यह बताना चाह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हुआ था आप लोगों का 17 अगस्त 2022 से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 के बीच में, तो उसमें से जो भी स्टूडेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी का रिजल्ट है जो आप लोगों का रिस्पेक्टिव RRBs के वेबसाइट पर जारी करवा दिया गया है। ओके, आगे क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट वो भी देख लेते हैं हम लोग। कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 times द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसीज एक्सक्लूडिंग PWBD एंड CCAA कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन दैट कम्युनिटी फॉर दैट RRC हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द PET। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि जो भी आप लोगों का कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसीज था उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टिंग किया गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, इसमें आप लोगों का PWD और CCAA कैंडिडेट को एक्सक्लूड किया गया है। आगे कहना चाह रहा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD कैंडिडेट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम PET, हेंस देयर रोल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। चूंकि ये जो लिस्ट निकाला गया है ये केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स का निकाला गया, इसलिए इस लिस्ट में आप लोगों को PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रोल नंबर नहीं दिखाया। यानी कि PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर होगा जब आप लोगों का फाइनल मेरिट आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंगली द कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर या नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द PWD कैंडिडेट सेल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज। यानी कि जो भी आप लोगों का RRCs के द्वारा फाइनल DV का जो लिस्ट निकाला जाएगा, चूंकि आपको पता होगा फिजिकल रिजल्ट जारी करने तक का काम जो है वो RRB का है, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो RRC के हैंड में चली जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि DV का जो लिस्ट निकाला जाएगा जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा वो RRC का किया जाएगा, यानी कि PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका आगे की कार्रवाई आप लोगों का RRC करेगा। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCAA कैंडिडेट्स आल्सो एक्सेम्प्टेड फ्रॉम PET एंड हेंस देयर रोल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। चूंकि CCAA वाले जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों को भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दिया गया है, इसलिए उन स्टूडेंट्स का भी रोल नंबर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली द कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर या नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द CCAA कैंडिडेट्स शैल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज। यानी कि CCAA कैंडिडेट्स को भी PWD कैंडिडेट्स के जैसा ट्रीट किया जाएगा, जो भी आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा RRC के द्वारा तब आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा RRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। एज पर RBE नंबर 51/2022 डेटेड 13/4/2022 CCAA कैंडिडेट्स आर गिवन ड्यू वेटेज फॉर देयर मार्क्स। यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 13/4/2022 अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का डबल सी अप्रेंटिसशिप के कोर्स के दौरान जो आप लोग मार्क्स लाए थे उसको भी आप लोग का मेरिट में मार्क्स वेटेज दिया जाएगा। At this stage, PET exemption weightage for the marks to CCAA candidates are purely based on their declaration about their Railway Act status of possession National Apprenticeship Certificate NAC granted by National Council of Vocational Training NCVT in the application in terms of Para 12 of CNRC 1/2019 and the NCVT marks uploaded by the candidates through the link provided by RRBs
नोटिस डेटेड 22 जुलाई 2022, 31 जुलाई 2022 एंड 8/9/2022 हाउएवर दे विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर स्टेजेज ओनली आफ्टर सक्सेसफुल डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यानी कि जो भी आप लोगों ने लिंक आपको जो प्रोवाइड करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों ने डिटेल्स डाला था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ओके यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर एंड शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस फॉर पीईटी बाय लॉगिंग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ड्यूली इंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ DDMM 4xY फॉर्मेट एंड लिंक विल बी मेड लाइव ऑन और बिफोर 27 यानी कि 27/12 शाम को 6 बजे से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये लिंक एक्टिवेट करवा दिया जाएगा एंड विल बी अवेलेबल अप टू 1/1/2023 27/12 से लेकर के आप लोगों का 1/1/2023 तक लिंक अवेलेबल रहेगा। तो इसके बीच में आप लोग सारा डिटेल्स भी देख पाएंगे। द कंडक्ट ऑफ पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ पैनल फॉर लेवल 1 शैल बी कैरिड आउट बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ऑफ द रिस्पेक्टिव जोनल रेलवे। यानी कि आगे की जो भी प्रक्रिया होगी चाहे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो मेडिकल हो या फिर पैनल बनाना हो अब आगे की सारी प्रक्रिया आप लोग आरआरसी करवाएगी। ओके अकॉर्डिंगली ऑल फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ दीज फोर्थ कमिंग एक्टिविटीज फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सेंट बाई रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन ऑफ आरआरसी डिटेल बिलो। यहाँ पे सारे आरआरसी का डिटेल दे दिया गया है, ठीक है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दिया गया है। सिकंदराबाद का देख सकते हैं अभी भी वही वेबसाइट दिया गया है SCR.IndianRailways। हालांकि जो नोटिस आती है वो इस पर नहीं आती, किसी और वेबसाइट पर आती है। ओके यहाँ पे देखेंगे कुछ आगे भी जानकारी दिया गया। अकॉर्डिंग द पी शेड्यूल फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी बाय द चेयरपर्सन। मतलब कि जो भी आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स से भी जानकारी दी जाएगी तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। एक मिनट रुक जाइए। द कैंडिडेचर ऑफ द ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्योरली प्रोफेशनल, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है ये प्योरली प्रोफेशनल है। इसके आधार पर आप लोग रेलवे में नौकरी का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और इसको बनाने में पूरी सावधानियां बरती गई है। फिर भी किसी प्रकार का कोई एरर होता है तो रेलवे के पास ये पूरा अधिकार होगा उसको बदलने का। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी फॉर फर्दर अपडेट्स। यानी कि स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे आगे के अपडेट के लिए और दलालों से आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है। अगला अपडेट की हम लोग चलेंगे फ्रेंड कट ऑफ को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा टीम उमंग स्टडी हमेशा से ही करने से बच रही थी तो आज जितने भी लोगों ने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया होगा आप लोग खुद जज कर पाएंगे कि जो भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया गया था वो कितना सही निकला है। ओके यहां पे देख लीजिए आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, ठीक है, CNRRC 1/2019 पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर या नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कैटेगरी। यहां पे आप लोगों का पहले ओपन कैटेगरी का बात करते हैं, परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, तो अनरिजर्व का 96 नॉर्मलाइज स्कोर 65, एससी में परसेंटाइल 87 और नॉर्मलाइज स्कोर 49, एसटी का परसेंटाइल 83 नॉर्मलाइज स्कोर 44, ओबीसी का परसेंटाइल 93 और नॉर्मलाइज मार्क्स है 58, ईडब्ल्यूएस का परसेंटाइल स्कोर 79 और नॉर्मलाइज मार्क्स 40, ठीक है। उसी तरह से एक सर्विसमैन का बात करते हैं तो अनरिजर्व में आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर है 80 नॉर्मलाइज मार्क्स है 41, एससी का बात करते हैं परसेंटाइल स्कोर 68 और नॉर्मलाइज मार्क्स 30, उसी तरह से एसटी का बात करते हैं तो आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर 69 उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स 31, उसे ओबीसी का बात करते हैं तो परसेंटाइल स्कोर 69 नॉर्मलाइज मार्क्स 30 और यहाँ पे आप लोगों का एक्स सर्विसमैन का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी प्रकार का कट ऑफ नहीं दिया गया है। डेट है आप लोग का 22/12/2022 चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके तो आगे का जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोग अपने टेलीग्राम पर रेगुलर बेसिस पर डालते रहेंगे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम का हैंडल है @StudyUmangOfficial। हमारे टेलीग्राम को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत ही तेजी से सभी के सभी आरआरबी का आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि उमंग स्टडी के टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना, उमंग स्टडी ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आप आसानी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर 35,200 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है उन स्टूडेंट्स को ढेर सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखिए हम लोग जो रिजल्ट है ये पीडीएफ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ की डिमांड होगी तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है आप लोगों का टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा @StudyUmangOfficial, स्टडी उमंग ऑफिशियल, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा उमंग स्टडी, वहाँ पे 35,200 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम शॉर्टलिस्टेड हो चुका है उन सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी बधाइयाँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसका लाइव कवरेज उमंग स्टडी के द्वारा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। करना चाहिए तो आप लोग कौन से वेन्यू से चाहते हैं कि कवर किया जाए वो भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं
कि जो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ होगा और ये जो रिजल्ट है ये आप सभी के लिए सेटिस्फैक्ट्री भी रहा होगा। तो रिजल्ट के बारे में आपका क्या रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।